हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप सिंपल लिव बेटर। डियर, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बिहारी स्टाइल चूरा फ्राई कैसे बनाते हैं। मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चूरा को कढ़ाई में डाल करके कंटिन्यूसली चलाते रहना है। हमें फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें लगातार चूरा को इसी तरह से चलाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और लगातार चलाने के कुछ देर बाद हम देखेंगे जो कि कलर जो है वो चूरा का वो चेंज हो गया है, वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि जो चूरा है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये परफेक्टली रोस्ट हो गया है। अब हमें इसे निकाल लेना है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और मैं भी क्या दिखा रही हूँ, मैं हल्दी पाउडर दिखा रही थी, बट अगर घी में डायरेक्टली हल्दी पाउडर को डालेंगे तो वो जल जाएगा। तो मैंने हल्का सा चूरा जो मैंने फ्राई रोस्ट किया था वो डाल दिया है, उसके ऊपर हल्दी डाल दिया है। अब ऊपर से जो रोस्टेड चूरा है हमारा उसे हम डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। ये काफ़ी क्रंची एंड क्रिस्पी होता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने जो रोस्ट किया था उस चूरे को मैंने डाल लिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। हल्दी डालने से कलर बहुत सुंदर आता है। आप बिना हल्दी डाले भी बना सकते हैं, बट अगर हल्दी डालेंगे तो देखने में ये ज़्यादा टेम्प्टिंग लगेगा। हमें अच्छे से मिलाना है, हल्दी के कारण कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। अब इसमें डालना है हल्का सा चिली पाउडर, और आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। देन मैं डाल रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट। इन दोनों चीज़ों को डाल देने के बाद अच्छे से मिला लेना है। ये ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट अभी मैं कुछ इसमें एडिशनल भी मिलाऊंगी जिससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। आप जब भी मंचिंग कुछ ऐसा खाने का मन हो तो आप खा सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी होता है। अभी मैं डाल रही हूँ फ्राइड चना दाल, आपको मार्केट में मिलेंगे, मेरे पास था, मैंने वो डाला है। देन मैं कुछ कुछ की जो मिक्सचर आती है वो मैं डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को डाल करके मिला लेना है। ये पोहा ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगता है चूरा फ्राई के स्टाइल में, बट अगर एडिशनल आप ये मिला देंगे ये मिक्सचर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छे से मिला लेना है। मैं जब भी एडिटिंग करती हूँ, फ्री रहती हूँ, तो मैं कोई और स्नैक्स खाने के बदले मैं यही पसंद करती हूँ। मैं थोड़ा सा प्लेट में ले लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारा चूरा फ्राई ऑलमोस्ट डन है, हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है, ये काफ़ी टेम्प्टिंग लग रहा है और ये काफ़ी क्रिस्पी टेस्टी क्रंची होता है। आप प्लीज़ इसे बनाएं और एक एयरटाइट कंटेनर में रख करके इसे स्टोर करें, ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय अगर आप ये हेल्दी रोस्टेड पोहा घर में रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह के एयरटाइट कंटेनर का यूज़ कीजिए जिसमें आप इसे रख दें, आपको जब भी कुछ इस तरह का खाने का मन हो आप खा सकते हैं। और अभी आपको क्या दिख रहा है, मैं करी पत्ते को धो रही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो देख करके ऐसा मन हो करने का तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा घी को गर्म कर रही हूँ, ये मेरी एक एडिशनल मैं ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ। देन उस घी में मैंने करी पत्ता को धो करके सुखा करके डाल दिया था, उसके बाद मैं जो रोस्टेड पोहा है मेरा वो मैं डाल रही हूँ और इसे मिला दें। बहुत लोगों को करी पत्ता का जो फ्लेवर है वो पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं होता है, इसलिए मैंने अलग अलग करके बताया है। बिना करी पत्ता वाली जो चूरा फ्राई थी वो मैंने पहले ही बता दी है, लेकिन अगर आपको एक बार ट्राई करने का मन हो तो प्लीज़ करी पत्ता डाल करके भी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और करी पत्ता हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारी चूरा फ्राई तैयार है। प्लीज़ ये करी पत्ता वाला जो मैंने बताया है ये एक्सपेरिमेंटल है, आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।
आई होप मैंने वीडियो अच्छे से बनाया है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, कीप सिंपल, लिव बेटर।